हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि नूह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। नूह में हिंसा को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने NCR के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच ना देने दें। संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं, जहां जरूरी हो वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फुटेज को भी सुरक्षित रखें। बता दें कि नूह में अब तक 26 FIR और 116 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो वहीं गुरुग्राम में 15 FIR दर्ज की गई और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो समेत हिंसा से जुड़े हर तथ्य की जांच होगी। इसके लिए SIT बना दी गई है। हरियाणा में पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। हिंसा की आग दिल्ली और राजस्थान तक भी पहुंच गई है, जिसके बाद राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के नूह, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू है, तो वहीं नूह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद जिले में इंटरनेट और SMS सेवाएं बुधवार को भी बंद रहेंगी। फरीदाबाद में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। हिंसा को लेकर अब सरकार भी अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का कहना है कि यात्रा के आयोजकों ने जिला प्रशासन को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी, इस वजह से भी हिंसा हुई। इस बीच CM मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उपद्रवियों ने ना सिर्फ यात्रा बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया है, उन्हें किसी भी हालात पर बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस तरह पत्थर इकट्ठे करके गोलियां चला के हिंसा हुई है, ये एकदम से नहीं हुई। गृह विभाग के पास घटना को लेकर इनपुट क्यों नहीं आया? विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि हिंसा के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण मुहर्रम और रामनवमी पर हमले होते हैं।